वेलकम टू फ्रेश टेक। आज हम बात करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में कि राउटिंग प्रोटोकॉल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें राउटिंग प्रोटोकॉल के क्लासिफिकेशन के। तो आप देखिए, हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स टाइप्स हैं वो सिर्फ दो टाइप्स के हैं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो दूसरा हमारे पास है वो है एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल को आप समझ लीजिए विद इन अ सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, एक AS में यूज किए जाते हैं ये इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जिन्हें IGP भी कहा जाता है। अगर हम एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें, EGP की बात करें, तो वो बिटवीन आर एमंग द डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, वो दो या दो से ज़्यादा ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास IGP की बात करें तो हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल टाइप्स है वो दो टाइप्स के होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा हमारे पास है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर कैसे काम करता है उसका तरीका अलग है, लिंक स्टेट कैसे काम करते हैं उसका तरीका अलग है। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारे पास जो प्रोटोकॉल अवेलेबल है RIP वर्जन 1 एंड वर्जन 2। ठीक है, वर्जन 1 बहुत पुराना है, वर्जन 2 थोड़ा सा नया है, हालांकि ये बहुत कम यूज़ होता है। और जो हमारे पास दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल वो है IGRP। अगर हम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो OSPF है। ठीक है, दूसरा हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है ISIS। अगर हम एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में जाएं तो ये हमारे डिफरेंट AS के बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इसे बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल को पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक स्पेशल टाइप का राउटिंग प्रोटोकॉल है EIGRP, जो कि एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो ना तो लिंक स्टेट के बीच में आता है ना तो डिस्टेंस वेक्टर में। ये IGP प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन ये ना डिस्टेंस वेक्टर में आता है ना तो लिंक स्टेट में आता है। ये दोनों की जो बेस्ट प्रॉपर्टीज दोनों को यूज़ करता है। ठीक है, इसलिए इसे एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है। वेलकम टू फ्रेश टेक। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये यूजुअली पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। अगर फ्रेशर लेवल पे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये जो हमारे IGP जो प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये इसके टाइप्स है। ठीक है, अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो पहला डिफरेंस जो हमारे पास है वो अपडेट्स का है। तो जो डिस्टेंस वेक्टर है उसमें अपडेट्स जो है पीरियोडिकली एक स्पेसिफिक टाइम के बाद सेंड की जाती है, यूजुअली 30 या 90 सेकेंड्स होते हैं। अगर हम लिंक स्टेट की बात करें तो हमारे पास जो अपडेट्स हैं वो ट्रिगर्ड अपडेट्स होती हैं। ठीक है, जो दूसरा डिफरेंस है कि हमारे, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में आपकी इंटायर राउटिंग टेबल को एज ए अपडेट सेंड किया जाता है, जबकि आपके लिंक स्टेट में जो इंक्रीमेंटल अपडेट्स, इंक्रीमेंटल का मतलब जो कुछ चेंज हुआ है वही सेंड किया जाएगा, पूरी राउटिंग टेबल नहीं सेंड की जाएगी। ठीक है, इसलिए ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है। जो हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है कि हमारे जो अपडेट्स हैं वो ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। अगर आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस देखना चाहते हैं 255.255.255.255, ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसका मतलब कि जितने भी हमारे पास राउटर्स होंगे उसमें सबको सेंड किया जाएगा। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है, हमारे जो अपडेट्स हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजी जाती हैं, मल्टीकास्ट यूज़ किया जाता है। अगर आपको अगर आपको OSPF अगर याद हो तो उसका जो, अगर आपको मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 है, ठीक है, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करती हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट डिफरेंस है, कन्वर्जेंस इज स्लो। कन्वर्जेंस इन द स्लो मतलब जो अगर अपडेट्स पीरियोडिक होंगे तो वो कुछ भी अगर चेंज होगा तो उसको वेट करना पड़ेगा स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए। अगर 30 सेकंड 90 सेकंड तो 90 सेकंड वेट करना पड़ेगा। इसीलिए जो कन्वर्जेंस है ना, जो चेंज होगा वो बहुत स्लो होगा। ठीक है, अगर आप लिंक स्टेट की बात करें तो कन्वर्जेंस फास्ट होगा। इसी ये चीज़ जो कन्वर्जेंस का फैक्टर है वो लिंक स्टेट को और बेटर बना देता है। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस वो ये है कि हैव स्केलेबिलिटी इश्यू। अगर आपको RIP याद हो आपको, तो RIP में देखेंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम हॉप काउंट है वो 15 है, 16th जो राउटर होगा वो अनरीचेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़े नेटवर्क में यूज़ नहीं हो सकता है, नेटवर्क स्केलेबिलिटी का इश्यू आएगा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में। लिंक स्टेट में अगर आप OSPF की बात करें तो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है।
तो ये थे हमारे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। देखते रहिए फ्रेश टेक।